लोकसभा चुनावों से जुड़ी एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। यूपी में जब से बीएसपी और एसपी का गठबंधन हुआ है, तब से आप देख ही रहे होंगे बीजेपी के नेता विपक्ष के गठबंधन को मजबूरी और डर का गठबंधन बता रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में जो हो रहा है वो भी मजबूर गठबंधन की ओर जाता ही दिखाई दे रहा है। समझिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। शिवसेना से गठबंधन के लिए बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया है उसकी पूरी डिटेल एबीपी न्यूज को मिल चुकी है। फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना के आगे झुकते हुए उसे 2014 से दो सीट ज्यादा देने का प्रस्ताव बनाया है। हम आपको बता दें इसमें वो पालघर वाली सीट भी शामिल है जिस पर बीजेपी शिवसेना से ज्यादा मजबूत मानी जाती है। पूरा फॉर्मूला यह है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों 48 सीटें 50-50% बांट लें। दोनों पार्टियां 24-24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 2014 तक शिवसेना 22 पर, बीजेपी 26 सीटों पर लड़ती थी। लेकिन अब देख लीजिए यह मामला महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच बराबरी का हो गया है। शिवसेना पालघर और हातकणंगले सीटों पर अड़ी हुई है। पालघर में बीजेपी से शिवसेना हार चुकी है और हातकणंगले सीट स्वाभिमान संगठन के राजू शेट्टी वाली है जो एनडीए अब छोड़ चुके हैं। 50-50 का फॉर्मूला, महाराष्ट्र में सीटों की हिस्सेदारी एबीपी न्यूज के पास। इस बड़े फॉर्मूले की जानकारी, बीजेपी 24 शिवसेना 24 यानी राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों का इक्वल डिवीजन किया गया है, बराबर भागों में बांटा गया है। 2014 तक बीजेपी बड़ा भाई होती थी क्योंकि बीजेपी 26 सीटों पर लड़ती थी, शिवसेना 22 सीटों पर लड़ती थी। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह के हमले किए हैं शिवसेना ने बीजेपी पर, और देखिए महाराष्ट्र का जो मूड हमने देश के मूड में अभी पिछले हफ्ते ही आपको दिखाया, 20 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 28 सीटें कांग्रेस एनसीपी कंबाइन को जा रही है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये 20 सीटें तब हैं जब, पहले ये मैं आपको बता दूं कि इन 20 सीटों का ब्रेकअप ये है कि 16 सीटें जा रही हैं बीजेपी को और 4 सीटें शिवसेना ले रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बात को अंडरलाइन कीजिए कि बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ रही हैं और क्योंकि एनडीए का हिस्सा है इसीलिए 16+4 20 सीटें हुई। यानी ये जो 20 आप एनडीए को आते हुए देख रहे हैं महाराष्ट्र में, इसमें शिवसेना अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है। और ऐसी सूरत में फायदा किसे हो रहा है, तस्वीर आपके सामने। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि तब 28 सीटें एनडीए से 8 ज्यादा कांग्रेस एनसीपी कंबाइन को जा रही है और इसीलिए इस वक्त में बीजेपी और शिवसेना का साथ ना आना बीजेपी के लिए नुकसान कर सकता है महाराष्ट्र में। क्या इसी वजह से 50-50 का यह फॉर्मूला पेश किया गया है। हम सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर का आज की इस बड़ी खबर पर। गणेश, ये जो 50-50 का फॉर्मूला हुआ है जहां पर 2014 से हटते हुए अब शिवसेना को बीजेपी ने बराबर का पार्टनर बनाया है, इसे कैसे देखा और समझा जाए? जी देखिए, लगातार कोशिशें बीजेपी की तरफ से चल रही हैं शिवसेना को मनाने की, और अब मनाने के लिए एक कदम आगे और बीजेपी आई है। आज जालना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उससे पहले इस तरह का प्रस्ताव रखना कहीं ना कहीं इस बार ये साबित हो रहा कि अगर गठबंधन हुआ तो शिवसेना की शर्तों पर होगा और बीजेपी को शिवसेना की ज्यादा जरूरत है ऐसा साफ। इसी वजह से 50-50 का फॉर्मूला उन्होंने प्रस्ताव का फॉर्मूला बीजेपी ने अपने मित्र पक्षों को कुछ सीटें दी थी जिसमें से फिट थी जो हातकणंगले जिनकी है बीजेपी, क्योंकि राजू शेट्टी एनडीए से अलग हो गए तो वो सीट शिवसेना को देने के लिए पहले तैयार थी। लेकिन पालघर लोकसभा सीट जिसको लेकर काफी धमाका हुआ दोनों के बीच में, उसको लेकर इस बार गणेश आपकी आवाज बहुत स्पष्ट तरह से हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन खबर बिल्कुल साफ हो चुकी है। और खबर यह है कि 24-24 सीटों का फॉर्मूला यानी 50-50 फॉर्मूला, कुल 48 सीटें और ये भी एक मजबूर गठबंधन बीजेपी की दृष्टि से इसीलिए माना जाएगा क्योंकि शिवसेना लगातार बीजेपी को आंख दिखा रही है। विरोधियों से ज्यादा शिवसेना बीजेपी पर हमला करती है, लेकिन वक्त और परिस्थिति ऐसी है कि लोकसभा चुनाव से तकरीबन 3-3.5 महीने पहले शिवसेना को खोकर बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान होता नजर आ रहा है। हालांकि अपने दम पर बीजेपी अच्छा करती आई है, लेकिन इस वक्त किसी अलायंस पार्टनर को खो नहीं सकती और यही वजह कि हमें बड़ी जानकारी मिल रही है कि 50-50 का फॉर्मूला यानी एक मजबूर गठबंधन की ओर ही सही बीजेपी शिवसेना के सामने झुकने को हुई है तैयार। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, दिन भर ये डेवलप करेगी और हर अपडेट आप देखेंगे हर बार की तरह सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।